इसी से आपको समझना चाहिए मैं दर्शन करता हूं अपना नहीं देता इसी से आपको अर्थ लगाना मैं सबको प्रणाम करता हूं प्रणाम करने की शिक्षा इच्छा नहीं रखता हूं इसे भी आपको समझना चाहिए मैं किसी की निंदा आलोचना बुराई न करता हूं न करने के लिए किसी को आदेश देता हूं मैं तो ये भी कहता हूं मेरा कोई फोटो मत छापना मैं अपने फोटो का विक्रेता नहीं बना रहा हूं मैं अपने नाम का प्रचारक नहीं बना रहा हूं अपने नाम की मशहूरी नहीं कर रहा हूं मुझे तो लोग जानते हैं नहीं हिंदुस्तान में यही तो आपको सोचना चाहिए जब लोगों ने आवाज उठाई इनको आश्रम से निकाला गया था मेरे कहा मैं तो कभी आश्रम पर रहा भी निकाला गया और जिन चार लोगों को निकाला गया उसमें मेरा नाम है और मैं सबका नाम बता दू किसको मेरे सामने लिख बनी मेरे सामने कहा बता तुमने भजन नहीं किया यहाँ रखो लोगों का आया है न सेवा किया न भजन किया तुम सब लोग घर जाओ भजन करो तुम्हारे घर का क्या लगता है वही नहीं गया किसी ने आदेश नहीं माना आवाज कहते हैं हम आदेश पालन कर अरे तुम आदेश संदेश निर्देश की परिभाषा नहीं जानते हो तुम पालन क्या करोगे निंदा रचना बुराई करने वाला ये आदेश पालन कर रहा ये गुरु के हुक्म का पालन कर रहा है उनके वचनों की मान्यता कर रहा है ये तो सीधे गुरु का यानी निरंतर उनके वचनों का अवहेलना कर रहा है आपको ये सब विचार करना चाहिए जय गुरुदेव मैं तो इसी कहता ये सब रोज छापी है रोज निकालिए जो मैं कहता हूँ अपनी तरफ से बनाकर मिलावट करके कुछ नहीं को जितना मैं कहता हूँ उतना इसके अतिरिक्त कोई छापोगे तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी और आप पर उसका दोष लगेगा क्योंकि हमें समोस में नहीं है जितना कहा जाए उतना ही कर दो भी हो जाएगा केवल बच्चों का प्रसारण आप जान दीजिए धीरे धीरे सब सुनने लगेंगे सब समझने लगेंगे क्यों निंदा कि लोगों को हमने जान लिया कि शिवाय के पास कोई काम अरे भाई कोई अच्छी बात करो कोई सच्ची बात करो इससे क्या मिलने वाला है अगर भाई भाई की निंदा करे तो भाई नहीं है और गुट परिवार वाला गुट परिवार के प्रेमी की निंदा करे गुट परिवार का सदस्य नहीं है और गुरु की निंदा करे गुरु का नहीं ये सब चीजें आपको सोचना चाहिए जब इन बातों पर ध्यान गौर ध्यान करोगे तो सब तुम्हारे समझ में आ जाएगा मैं तो ये कुछ करता नहीं मैं केवल बच्चों के प्रसारण से न कोई काम कर्म किया और नहीं कर आज से नहीं कितना समय निकल गया जब कोई नहीं प्रचार करता था तब मैं 6 नवंबर 1978 से मैंने प्रचार प्रारंभ किया तब कोई नहीं जानता था ये तो अस्सी में जब दूरदर्शी बनी तब ये सब कूद पड़े अध्यक्ष मंत्री वक्ता प्रवक्ता बनने के लिए और बन करके बिगड़ नहीं बने और बिगड़े मेरा कुछ नहीं क्योंकि संत मत ये स्वार्थपरता का विषय नहीं है ये परमार्थ का है जब स्वार्थी भाव में स्वार्थी विचारधारा में और स्वार्थ पाने के कर्मों में लग जाओगे तो परमार्थ से हजारों को दूर चले जाओगे तुम्हारी स्वार्थ परमार्थ की परिभाषा नहीं जाती इसलिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करो समस्त देशवासियों से मैं रोजी प्रार्थना करता हूँ और आज भी कर रहा हूँ कि अब ये समय ये निंदा आलोचना करने का सही सत्य रास्ते पर चलने क्योंकि तुम्हारे गंदे खान पान गंदे कर्म गंदे भाव विचारों से कुदरत ने ये फैसला ले लिया और एक छोटा सा उसने नजारा दिखा दिया जिसमें सारा विश्व परेशान है किसी के पास कोई उपचार नहीं है मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ
और करता रहूंगा। प्रार्थना करना कोई बुरा नहीं है, प्रार्थना करना कोई बुराई नहीं है, प्रार्थना करना कोई निंदा नहीं, किसी का नुकसान नहीं और तुम प्रार्थना भी नहीं अगर समझ सकते हो तो फिर क्या समझो। जय गुरुदेव। जो अच्छे सत्य काम के लिए प्रार्थना कर रहा, अच्छे सत्य रास्ते पर चलने की प्रार्थना कर रहा, आत्मा जगाना परमात्मा मिलने के लिए जो सब मत की युक्ति नीति है उस पर चलने की निरंतर प्रार्थना कर रहा, तुम उसकी प्रार्थना भी स्वीकार नहीं कर पा रहे। वो प्रार्थना कर रहा तुम निंदा बुराई करते हो, तुम्हारे पास और कोई विषय नहीं रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका। मेरा काम सबसे अलग, न मैं कोई सेवा कमी मांगी ना मांग रहा, मेरा कोई सेवा नहीं किसी तरह की मांगी जाती। ये तो प्रेमी अपनी इच्छा से जो श्रद्धा भेंट करते हैं उसी से काम हो रहा। क्यों? श्रद्धा की चुगली भली, श्रद्धा की तो श्रद्धा का फूल भी वो भी की हो सकता। अभी तो श्रद्धा तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तुम श्रद्धा की कीमत नहीं समझते हो। किसी को अध्यक्ष मंत्री बनाता ना वक्ता प्रवक्ता बनाता, ये काम मेरे यहाँ नहीं है। मेरे यहाँ सीधा काम है सेवादार बनो और भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। इस धार्मिक धरा पर न परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। इसे आप घाट में बांध लीजिए। जय